नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में पटना गंगा घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा पटना के जिलाधिकारी के द्वारा। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मॉनिटरिंग करने पटना गंगा घाट पहुंचे, निरीक्षण करते हुए नजर आए। बता दें आपको कि हर साल छठ पूजा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना गंगा घाट का मॉनिटरिंग करते हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले अधिकारियों की ओर से लगातार घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री विजय कुमार चौधरी, विभागों के मंत्री, अधिकारियों में मुख्य सचिव, डीजीपी वो अन्य मौजूद रहे। दिग्गा से लेकर पटना सिटी तक घाटों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के महेंद्रू और बांस घाट भी इस बार जुड़ गया है। गंगा में इस बार पानी बहुत ज्यादा नहीं होने से 3 किलोमीटर तक घाट दिखने लगा है। इस जगह 1 लाख से अधिक लोग एक साथ छठ पूजा कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से लोगों को घाट तक पहुंचाने के लिए अप्रोच पथ बनाने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से खतरनाक घाटों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सीएम के निरीक्षण और दीपावली समाप्त होने के बाद सभी खतरनाक घाटों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से टीम बनाई गई है। लगातार घाटों की साफ सफाई और घाटों की तैयारी करने के लिए जायजा लिया जा रहा है। बता दें आपको कि आस्था का महापर्व बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पटना के घाटों का इसीलिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा घाट तो नहीं है जो खतरनाक हो। इससे पहले पटना के जिलाधिकारी ने बताया था कि 4 ऐसे घाट हैं जिसे खतरनाक चिन्हित किया गया है। इसी के साथ छठ व्रतियों के लिए भी पूरा व्यवस्था किया गया है ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों और अपने मंत्रियों के साथ पटना गंगा घाटों पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो क्या कुछ खबर था बताया मैंने आपको इस रिपोर्ट में, तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।